SN लाइव सच सबसे आगे। सीएसपी और पैंट दुकान से हथियार के बल पर लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। गोपालगंज की हथुआ अनुमंडल पुलिस ने सिवान और मीरगंज में सीएसपी व पैंट दुकान से हथियार के बल पर लूटकांड का सफल उद्भेदन कर दिया है। वही इस लूट का कांड में शामिल कुल 6 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कुख्यात गिरफ्तार किए गए 3 अपराधी यूपी के देवरिया के रहने वाले, जिसमें देवरिया का प्रदीप यादव इस गिरोह का मास्टरमाइंड है, जिसके ऊपर अकेले गोपालगंज में 9 आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से 2 पिस्तौल, 1 कट्टा, 5 कारतूस लूटी गई, 35,000 रुपए नगद, 5 मोबाइल फोन, 2 अपाचे बाइक और लूट के दौरान पहने गए 2 कपड़े और 1 चाकू को भी बरामद किया गया है। यह कार्रवाई हथुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुराग कुमार के नेतृत्व में एसआईटी ने की है। गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि बीते मई महीना में मीरगंज के पैंट दुकान से 35,000 रुपए और एक सीएसपी से हथियार के बल पर 22,000 रुपए नगद अपराधियों के द्वारा लूट की गई थी। इस लूट के बाद अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मीरगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए हथुआ एसडी पीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के द्वारा अमानवीय सूचना और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर पूरे मामले की जांच की गई। छानबीन के दौरान यूपी के देवरिया के रहने वाले कुख्यात प्रदीप यादव के गिरोह के कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2 पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने सिवान के मुफज्जल थाना क्षेत्र के सीएसपी से 5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने की बात भी स्वीकार किया है। एसपी ने कहा कि इस अपराधी गिरोह के द्वारा सिवान और गोपालगंज के 3 लूट कांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि इस गिरोह के 2 अपराधियों के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले उसकी रैकी की जाती थी। रैकी करने के बाद उनके द्वारा लूट की योजना बनाया जाता था, फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता था। एसपी ने कहा कि यूपी के देवरिया का कुख्यात प्रदीप यादव में ऊपर अकेले गोपालगंज जिले में 9 आपराधिक मामले रंगदारी लूट के दर्ज है। उन्होंने कहा कि प्रदीप यादव सहित 3 अपराधी यूपी के रहने वाले, जबकि 3 अपराधी मीरगंज गोपालगंज के रहने वाले। एसपी ने कहा कि अपराधियों को पूछताछ के बाद जेल भेजा जाएगा, जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। गोपालगंज से एसएन लाइव के लिए रिजवान अहमद की रिपोर्ट। लूटकांड का उद्भेदन किया गया है और इसमें 2 घटना मीरगंज थाना अंतर्गत हुई थी और 1 घटना सिवान के मुफस्सिल थाना अंतर्गत हुई थी। पहली जो घटना है 10 मई को पेंटर की दुकान से 45,500 रुपया 3 अज्ञात अपराधियों के द्वारा लूटा गया था पिस्टल के बल पर। और दूसरी घटना जो है 4 जुलाई को हुई थी, जिसमें सीएसपी संचालक के यहाँ से 22,000 रुपये हथियार के बल पर लूट लिए गए थे और इसमें एसआईटी का गठन किया गया था। इसमें एसडीपीओ हथुआ के नेतृत्व में और सीआई मीरगंज के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया था। इसमें 6 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 3 हथियार और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इसमें जो 6 कुख्यात अपराधी हैं, इसमें 3 देवरिया जिला के रहने वाले हैं और 3 हमारे गोपालगंज जिला के रहने वाले हैं। इसमें से प्रदीप यादव जो देवरिया जिला का रहने वाला है, इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है और इसका इस पर 9 कुख्यात संगीन धाराओं में केस दर्ज है और सभी केसेज 392, 387, रंगदारी, 27 सांसद और लूट के हैं। इसके अलावा जो सनोज यादव है, मोहित यादव है, मनीष कुमार है, शुभम चौरसिया, सनी कुमार है, सभी का आपराधिक इतिहास रहा है लूटपाट मारपीट का और इन सभी की गिरफ्तारी की गई है। इसमें से 2 अपराधियों ने लाइनर का काम किया था और 4 अपराधी हैं इसमें लूट का कांड में शामिल थे। इसमें जो पेंट दुकान में जो बाइक प्रयुक्त हुई थी ब्लैक पल्सर, उसको भी बरामद किया गया है और सीएसपी के लूट में जो व्हाइट अपाचे प्रयुक्त था, उसको भी बरामद किया गया है। इसके अलावा 5 जिंदा कारतूस और नगद राशि 35,000 और लूट की राशि, उसको बरामद किया गया है। 1 चाकू और घटना के समय पहने हुए जो पीला शर्ट है और पीला टी शर्ट, उसको बरामद किया गया है। और इस तरह से पूरी घटना का सफल उद्भेदन किया गया है और हम लोगों ने पूरी टीम को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। इसमें प्रदीप यादव पर मीरगंज थाना में 5 मामले दर्ज हैं और उचका गाँव में 2, हथुआ में 1 और भोरे में 1। भोरे का जो केस है 205/19 रामाश्रय हत्याकांड में भी चार्जशीट रहा है। प्रदीप यादव जी, पिता वीरेंद्र यादव और थाना श्रीरामपुर जिला देवरिया। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।